चैनल। सो आज मैं खुद को ट्रांसफॉर्म करने वाली हूँ इंडियन ब्राइड में। सो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा ये वीडियो एंड आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। आई होप आप लोग भी मेरी तरह ही एक्साइटेड होंगे। तो ज़्यादा बकबक ना करके स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट उससे पहले डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट्स टोटली फ्री। तो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस आज मेरा फुल लुक एंड फुल मेकअप जो है वो मेरी एक दोस्त करने वाली है जो मेकअप आर्टिस्ट है। एंड सच बताऊँ तो ये पहली बार होगा कि कोई मेरा मेकअप कर रहा है। मैं ज़्यादातर खुद का मेकअप खुद ही कर लेती हूँ, असल में कोई है नहीं तो क्या कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हमारी इस बात पे हंसी चल रही थी कि मेरे सिर में लग रहा है कि बाबा जी का टुल्लू बन गया है। एंड यहाँ पे मैं उससे पूछ रही थी कि ये क्या है वो क्या है। एंड ये देखो गाइस यहाँ पे मैं इस बन से नहाने की सोच रही थी। वैसे ये आइडिया उतना भी बुरा नहीं है। तो यहाँ मेरी फ्रेंड ने छोटे वाले बन को खोल के मेरे सर के पीछे वाले पोर्शन में साइड पिन की हेल्प से अच्छे से उसे लगा लिया है। एंड यहाँ पे मैं बोल रही थी आई लगी लगी, असल में इस साइड थोड़ा ज़्यादा ही टाइट हो गया था, बट कोई बात नहीं, इतना तो चलता ही है। और एक बात जो मैं बताना ही भूल गई थी, सामने के बालों को उसने अच्छे से क्रिम कर लिया है दो पार्ट में डिवाइड करके। उसके बाद उसने पीछे के बालों में पफ करके नीचे बन बनाया है और मुझसे तो शांति से कहीं बैठा भी नहीं जाता। तो फिर से मैं कुछ ना कुछ करने लगी हूँ यहाँ पे। असल में मैं मेरे हाथों में रेड कलर से गोल्ड डिज़ाइन बनाना चाहती थी, तो मैंने यहाँ पे हेयर पिन उठा के ही डिज़ाइन बनाना स्टार्ट कर दिया। एंड आसपास कुछ भी नहीं था तो मैंने हेयर पिन ही उठा लिया। सोचो गाइस क्या दिमाग है यार, कोई नोबेल फेंक के मारो मुझे। तो मेरा गोल सर्कल बनाना तो अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा है गाइस, और अभी तो फिलहाल मैं किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही हूँ गाइस। बट रुको, ज़रा सब्र करो गाइस, लास्ट में ये चुड़ैल चुड़ैल नहीं रहने वाली है। और क्या बनने वाली है ये तो आप लोगों को खुद ही देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा मेकअप स्टार्ट हो रहा है एंड आई मेकअप पहले करेंगे, उसके बाद फेस मेकअप करेंगे। तो उसने पहले कंसीलर लगा लिया एंड अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। और यहाँ पे तो मानो हमारी हंसी ही ख़त्म नहीं हो रही, पता नहीं क्यों। कंसीलर को अच्छे से सेट करने के बाद उसने लूज पाउडर की हेल्प से कंसीलर को सेट किया है पहले। ओके, तो आई मेकअप के लिए उसने पहले एक ब्रॉन्जी शेड लिया था एंड अच्छे से ब्लेंड करने के बाद एक मरून शेड लिया था आउटर फ्री में अप्लाई करने के लिए। देन उसने हाफ कट क्रीज किया था एंड यार यहाँ पे भी हमारी हंसी चालू हो गई। तो कट क्रीज में उसने एक कॉपर गोल्डन शेड अप्लाई किया था
और यहाँ पे मुझे देखकर लग रहा है कि मैं बहुत मुश्किल से हंसी रोक रही हूँ, अभी हंस दूंगी। तो लाइनर लगाने के बाद उसने काजल खुद से लगाने को कहा था, बट मैं यहाँ पे खाने में बिजी थी यार, सच्ची में। तो अब बारी है फेस मेकअप की। तो फेस को अच्छे से क्लीन करने के बाद प्राइमर लगाएंगे एंड यहाँ पे मेरा डांस चालू हो गया। क्या बताऊँ, अब शांति से कहीं बैठ भी नहीं सकती हूँ यार। ओके, तो प्राइमर के बाद यह फाउंडेशन अप्लाई किया जा रहा है। उसके बाद कंसीलर अप्लाई करके उसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है एंड लूज पाउडर से सेट भी कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे ब्रॉन्जिंग कर रही है मेरी फ्रेंड एंड देन ब्लश एंड हाइलाइटर और लास्ट लिपस्टिक लगा के मेकअप सेट कर लेंगे एंड या डन। हेयर इज माई फाइनल लुक गाइज। अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।